हम अपना इस वक्त लेक्चर स्टार्ट करने लगे। ठीक है जी, हम इस वक्त अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और वी आर गोइंग टू डिस्कस द कास्टिंग एलॉयज। इसमें हमने पहले बेस मेटल एलॉयज पढ़े थे, अब हम आज नोबल मेटल एलॉयज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर टुडे, और ये चैप्टर जो है हमारे पास आ रहा है, इसको ख़त्म डॉक्टर मेरीन करेंगी। नेक्स्ट जो सेशन आपका आएगा वो डॉक्टर मेरीन के साथ आएगा। शी विल कंटिन्यू विद दीज नोबल मेटल एलॉयज। ठीक है, आई टोल्ड यू कि वी हैव कास्टिंग एलॉयज, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वी हैव बेस मेटल एलॉयज एंड वी हैव नोबल मेटल कास्टिंग एलॉयज। बेस मेटल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम नोबल मेटल स्टार्ट करने लगे हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने जो पहले एक डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड पढ़ा था, दैट वॉज अ फिलिंग मटीरियल जो कास्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये जो कास्टिंग एलॉय है दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड दे हैव डिफरेंट मैनिपुलेशन। इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी डिफरेंट है। आई कैन सी लेस पार्टिसिपेंट्स इन माई लेक्चर, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास। वी हैव ओनली 36 पार्टिसिपेंट्स एट द मोमेंट। जो बाकी बच्चे नहीं है इस वक्त उनको मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कीपिंग अ स्ट्रिक्ट चेक, सो यू शुड बी विजिलेंट रिगार्डिंग द बेस मेटल एलॉयज। अगर नोबल मेटल एलॉयज हम देखें तो ये वो एलॉयज है जिनमें गोल्ड, प्लैटिनम, रुथेनियम, पैलेडियम, गोल्ड, ऑस्मियम और सिल्वर वगैरह होता है। सिल्वर को हम डेंटिस्ट्री में एज अ नोबल मेटल कंसिडर नहीं करते। नोबिलिटी मीन्स कि दे हैव वेरी नोबल और रॉयल बिहेवियर बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू करोजन एंड टार्निश। इनकी सर्फेस पे कोई अनडिजायरेबल ऑक्साइड नहीं बन सकता, तो रिजल्टेंट इनमें कोई टार्निश या करोजन नहीं हो सकती। दे आर वेरी इनर्ट एंड दे आर इनर्ट मीन्स के ये ऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो ये स्टेबल रहती हैं, जैसे हैं ये वैसी रहती हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स इंक्लूड प्लेटिनम, पलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, गोल्ड, इरेडियम, ऑस्मियम एंड सिल्वर। लेकिन प्रिंसिपली जो हमारे पास नोबल मेटल एलॉयज होते हैं वो तीन तरह के हैं, प्लैटिनम, पलेडियम एंड गोल्ड। फिर इनमें डिफरेंट मिलाए जाते हैं। रोडियम, रुथेनियम, इरेडियम वगैरह दे आर ग्रेन रिफाइनर्स। मैंने आपको बताया था जो ईएम के नाम से स्टार्ट, जिनके नाम के एंड पीएम आ रहा है, दे आर ग्रेन रिफाइनर्स एंड दे आर इन ट्रेस अमाउंट्स। ठीक है जी, गोल्ड को हम यूजुअली मेजर करते हैं, नोबल मेटल्स को हम यूजुअली मेजर करते हैं कैरेट्स में या फाइननेस में। कैरेट्स का मतलब ये है कि 24 पार्ट्स हम देख लेते हैं, एक अलॉय के हम 24 पार्ट्स बना लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं कि उसमें कितने पार्ट गोल्ड है। अगर वो 18 पार्ट है तो हम कहते हैं जी 18 कैरेट गोल्ड है। इसका ये मतलब है कि 18 पार्ट्स गोल्ड है और 6 पार्ट्स जो हैं वो दूसरे अलॉयज हैं, जिसमें प्लेटिनम, पलेडियम, सिल्वर वगैरह आ सकते हैं। फाइननेस का मतलब होता है कि हम अलॉय को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसमें गोल्ड के पार्ट्स निकाल लेते हैं। जैसे 1000 पार्ट्स हैं एक अलॉय के और उसमें 750 पार्ट्स जो हैं वो आपका गोल्ड है, तो हम कहेंगे जी 750 फाइननेस नंबर है। इसको दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 100 में से कितने परसेंट गोल्ड है, दैट इज टेकन अप बाय द फाइननेस नंबर। ठीक है, अगर 750 नंबर है पार्ट्स ऑफ गोल्ड इन 1000 पार्ट्स ऑफ एन अलॉय, इट मींस कि इसका 75% हमारे पास गोल्ड है। ये एलॉय जो है वो 75% गोल्ड है। ठीक है जी, गोल्ड और नोबल मेटल एलॉयज दे आर यूज्ड टू मेक ऑल मेटल एंड रेजिन विनियर्स। विनियर्स मैंने आपको बताया था कि जो डायस्टेमा या किसी भी किस्म की एनोमली में लगाया जाता है, पहले ये मेटल्स के बनते थे, आजकल ये कॉम्पोजिट्स के बनते हैं। ठीक है, रेजिन्स के बनते हैं। देन दे आर यूज्ड टू मेक मेटल सिरेमिक या पोर्सिन फ्यूज्ड टू मेटल क्राउन्स के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। नोबल एलॉयज को आजकल कम, बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, दे आर टेक्निक सेंसिटिव। इनको इस्तेमाल करना, इन पे काम करना बड़ा मुश्किल है। फिर आपका जो प्रोस्थीसिस बनता है वो बहुत हैवी होता है। नोबल मेटल एलॉयज दो तरह के होते हैं कि या तो वो एलॉयज है जिसमें 48% गोल्ड है और 68% बाकी एलॉयज हैं, या फिर हमारे पास नोबल मेटल एलॉय वो होता है जिसमें 68% हमारे पास नोबल एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें गोल्ड, रुथेनियम, प्लैटिनम, पलेडियम वगैरह आते हैं, और बाकी 40 पार्ट्स जो हैं वो दूसरे गोल्ड, दूसरे एलॉयज के होते हैं। गोल्ड एलॉयज जो हैं दे हैव ऑक्साइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जिसमें कि आयरन, इंडियम और टिन डाला जाता है। उससे उनकी सरफेस पे वो वाले ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो सिरेमिक के साथ या पोर्सलिन के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है,
मैंने आपको बताया है कि जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ऑक्साइड्स का मतलब होता है कि एलॉयज आर प्रोन टू टार्निश एंड कोरोजन, लेकिन जब हम इनको पोर्सलिन के साथ बॉन्ड करने लगते हैं तो कुछ डिजायरेबल ऑक्साइड्स हैं विच आर नीडेड फॉर देयर बॉन्डिंग टू पोर्सलिन। सिरेमिक और पोर्सलिन का एक ही मतलब है, ठीक है, ये याद कर लीजिए कि सिरेमिक इज इक्वल टू पोर्सलिन। और डेंटल मटेरियल्स में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डुप्लीकेट टर्म्स हैं, वो हम इंटरचेंज करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंपोजिट्स के लिए हम रेजिन्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इंप्रेशन कंपाउंड के लिए कॉम्पो का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के लिए इंप्रेशन पेस्ट का वर्ड भी यूज होता है। तो ये दोनों तरीके से सवाल आ सकते हैं। गोल्ड में ऑक्साइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्योंकि गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो उसमें जो अलॉय पोर्सलिन के साथ बॉन्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं उनमें फिर ऑक्साइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स डाले जाते हैं। दे इंक्लूड आयरन, इंडियम और टिन, ये वो एलॉयज हैं जो ऑक्साइड्स बनाते हैं और इनकी वजह से गोल्ड की और पोर्सलिन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आजकल इस तरह से यूज नहीं होते, बट दे आर बीइंग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद पोर्सलिन, ठीक है, पोर्सलिन के साथ कंबाइन करके इनको इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से इस्तेमाल करते हैं पोर्सलिन के साथ कंबाइन करके कि ऊपर पोर्सलिन की लेयर होती है और नीचे आपके मेटल की लेयर होती है। एंड द रीजन इज कि आपने स्ट्रेंथ मेटल से लेनी है और ऊपर स्टैटिक पोर्सलिन से लेनी है। गोल्ड अलॉयज, ये ADA क्लासिफिकेशन है गोल्ड अलॉयज की या नोबल अलॉयज की, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गोल्ड बेस्ड मेटल सिरेमिक अलॉयज, ये वो अलॉयज है जिनमें 740 वेट गोल्ड है, यानी 74% वेट है, ये मेटल सिरेमिक अलॉयज है, इनमें 74% गोल्ड होता है और बाकी जो रेस्ट है वो सारे का सारा जो है वो नोबल मेटल अलॉयज है, इसमें प्लैटिनम, पैलेडियम, रुथेनियम वगैरह आ जाते हैं। दूसरे आते हैं गोल्ड प्लैटिनम पैलेडियम अलॉयज, इसमें गोल्ड इज अबाउट 88% और बाकी की जो अमाउंट है वो प्लैटिनम और पैलेडियम की है और बहुत थोड़ी अमाउंट कोबाल्ट, क्रोमियम या बेस मेटल अलॉयज की होती है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गोल्ड पैलेडियम, आपने पहले पढ़ा था गोल्ड पैलेडियम प्लैटिनम अलॉयज, अब हम पढ़ रहे हैं गोल्ड पैलेडियम सिल्वर अलॉयज। इसमें तकरीबन 40% आपके पास गोल्ड है और बाकी सारा आपके पास सिल्वर और पैलेडियम आ जाते हैं। सिल्वर और पैलेडियम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि गोल्ड का मेल्टिंग टेम्परेचर लो है, क्योंकि पोर्सलिन का मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है, पोर्सलिन कम से कम 1500 डिग्री पे जाके फायर होती है, हार्ड होती है, अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, और गोल्ड को पहले मेल्ट करना पड़ता है पोर्सलिन के साथ इस्तेमाल करने के लिए, तो गोल्ड का तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको बढ़ाना पड़ता है कि दोनों को तकरीबन करीब करीब ले आया जाए, क्योंकि अगर हम गोल्ड के अंदर वो वाले एलिमेंट्स नहीं डालेंगे जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि अलॉय जल जाएगा, जब वो 1400-1500 डिग्री के करीब करीब जाएगा पोर्सलिन के लिए तो उस वक्त वो जल जाएगा। देन वी हैव गोल्ड पैलेडियम अलॉयज प्लेन, पहले गोल्ड पैलेडियम प्लैटिनम अलॉयज थे, फिर गोल्ड पैलेडियम सिल्वर अलॉयज थे, नाउ वी हैव ओनली गोल्ड पैलेडियम अलॉयज, इसमें भी 45% है गोल्ड है, फिर पैलेडियम भी 40-45% आता है और बाकी जो रेस्ट 10% है वो बेस मेटल अलॉयज है। नोबल अलॉयज को हम दो तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, नोबल अलॉयज पहले हाई नोबल अलॉयज होते हैं, फिर नोबल अलॉयज होते हैं और फिर बेस मेटल, ये कास्टिंग अलॉयज की ये डेफिनेशन, ये क्लासिफिकेशन बनती है। नोबल अलॉयज में जो नोबल अलॉयज खाली आते हैं उनमें से 25% होते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है, इनमें इनका टेम्परेचर सॉलिडस टेम्परेचर भी हाई होता है क्योंकि इनमें बेस मेटल ज्यादा है, ज़ाहिर अगर 25% आपके पास नोबल मेटल्स हैं तो ज़ाहिर 75% आपके पास बेस मेटल होगा और बेस मेटल का फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने आपको कल बताया था कि आप जैसे जैसे गोल्ड कॉन्टेंट को कम करते जाते हैं और बेस मेटल को बढ़ाते जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अलॉय जो है वो लाइट वेट है और ऐसे अलॉय में काइनेटिक एनर्जी का एक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसका ये मतलब है कि गोल्ड की चूंकि डेंसिटी हाई है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ड्यूरिंग कास्टिंग, तो ये बहुत अच्छा कास्ट होता है, इसमें कोई बबल्स नहीं आते। लेकिन अगर आप बेस मेटल अलॉय की कास्टिंग करें तो बेस मेटल अलॉयज क्योंकि लाइट वेट है, दे आर नॉट डेंस, दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग में फोर्स करते हैं इसको कास्टिंग मशीन के थ्रू उस कास्टिंग रिंग के अंदर, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसमें क्या होता है कि उस दौरान बबल्स आ जाते हैं। ये वही तरीका है कि अगर आप पानी को एक से दूसरे कंटेनर में डालें तो आपको बबल्स नजर आएंगे, लेकिन अगर आप एक थिक बैटर को डालेंगे तो उसमें बबल्स कम होंगे।
नोबल मेटल अलॉयज ऑल सिरेमिक और वेनियर रेस्टोरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो ऑल सिरेमिक या ऑल मेटल सॉरी ऑल मेटल और वेनियर का मतलब ये है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशंस हैं जो पोर्सलिन को मेटल के साथ फ्यूज करते हैं। दूसरा जो इनका इस्तेमाल है वो ये है कि प्लेन ऑल मेटल रेस्टोरेशन, यानी इसमें उसको पोर्सलिन के साथ नहीं ज्वाइन किया गया, उसमें सिल्वर पैलेडियम अलॉयज आते हैं। सिल्वर गिव्स देम वाइट कलर, उसमें गोल्ड ज़्यादा होता है, और पैलेडियम जो है वो नोबिलिटी भी डालता है, उसमें नोबिलिटी को इंक्रीज करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस को भी इन्हेंस करता है। गोल्ड का अपना कोरोजन रेजिस्टेंस भी बहुत सॉरी गोल्ड गोल्ड का अपना कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, बट दे हैव मोर सिल्वर इन देयर कॉम्पोजिशन। सॉरी दिस इज नॉट गोल्ड, दिस इज एक्चुअली सिल्वर। वो अलॉय जो ऑल मेटल रेस्टोरेशन के लिए बनाए जाते हैं उनमें सिल्वर 72% तक होता है, बाकी का पैलेडियम डाला जाता है 25%, और गोल्ड बहुत ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि ये ऑल मेटल रेस्टोरेशन जो है इनको हार्ड होना चाहिए, इनको स्ट्रांग होना चाहिए, तो उनमें फिर सिल्वर और दूसरे अलॉय ज़्यादा डाले जाते हैं, गोल्ड कम डाला जाता है, बिकॉज गोल्ड इज सॉफ्ट इन नेचर। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, इसमें बार बार कॉम्पोजिशन आ रही हैं, इसमें बार बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन आ रही हैं और डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन आ रही हैं। इसको याद करने का तरीका भी यही है कि आप स्टिकी नोट्स पे इनकी एप्लीकेशन लिख लें, और इस चैप्टर को चाहे तो आप सिर्फ लेक्चर नोट्स में से करें या फिर सिर्फ आप एक किताब में से करें। किताब अब आपकी मर्जी है, आप फिलिप से करना चाहते हैं फिलिप से कर लें, शाइना से करना चाहते हैं शाइना से कर लें, बट दे मस्ट योर कॉन्टेंट मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज। फिलिप्स ने कई जगहों पर बेसिक नॉलेज उन्होंने कम दिया हुआ है और वो बहुत आगे डिटेल्स में चले गए हैं, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है जी, सो इफ वी टेक अ लुक ऑन द यूजेज ऑफ नोबल मेटल अलॉयज, तो आप देखेंगे जो नोबल मेटल अलॉयज हैं वो ऑल मेटल रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और मेटल सिरेमिक रेस्टोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और विनर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ऑल मेटल में सिर्फ मेटल का पूरा क्राउन बना होता है, मेटल सिरेमिक में ऊपर पोर्सलिन की लेयर होती है और नीचे आपके मेटल की लेयर होती है। जो ऑल मेटल के लिए यूज होते हैं उसमें सिल्वर और पैलेडियम वगैरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो मेटल पोर्सलिन के साथ इस्तेमाल होते हैं उनमें गोल्ड ज्यादा होता है। हम अगर देखें तो जो अलॉयज हम सिरेमिक के लिए पोर्सलिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पैलेडियम और सिल्वर है, सिल्वर का कॉन्टेंट उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और पैलेडियम इज ऑल्सो नोबल मेटल अलॉय, ये कम अज कम 63% है। गोल्ड सिर्फ 4-5% इसमें होता है, लेकिन प्रिंसिपली इनकी यही कॉम्पोजिशन है। मैंने ट्रेस अमाउंट की ट्रेस एलिमेंट्स के नाम इसमें नहीं लिखे। इस पर टिन और इरेडियम भी डाले जाते हैं जो ऑक्साइड फॉर्मेशन को या ऑक्साइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। ये वो ऑक्साइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं जो गोल्ड का पोर्सलिन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, इनके एडवांटेजेस ये हैं इन नोबल मेटल अलॉयज के जो पोर्सलिन की उसके मेटल रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे हैव गुड वर्केबिलिटी, इन पे काम करना आसान है, और प्लस इन पे इनको कास्ट करना आसान है। इनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि पोर्सलिन का ग्रीनिंग इफेक्ट आता है, इन पे ग्रीन सा कलर आ जाता है, क्योंकि पोर्सलिन जब हार्ड होती है, जब उसको फायर किया जाता है, जब उसको हीट किया जाता है, तो एक ग्रीन सा कलर दे देती है। तो दूसरी तरह के अलॉय हम इस्तेमाल करते हैं, पहली तरह के जो अलॉय हमने पीएफएम के लिए देखे थे वो थे सिल्वर पैलेडियम अलॉय, दूसरी तरह के अलॉय हम इस्तेमाल करते हैं पोर्सलिन के लिए वो हैं पैलेडियम कॉपर अलॉय। मैं आपको ये बता दूं कि एक एप्लीकेशन में दो दो तीन तीन चार चार मटीरियल्स भी हैं। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं आपको उस प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसको किस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंस यू नो कि कॉपर इज फॉर हार्डनेस, इसका मतलब है कि पैलेडियम कॉपर अलॉय जो है ये ज़्यादा स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज में इस्तेमाल होंगे। इसी तरह आपके पास जो पहले सिल्वर पैलेडियम अलॉयज थे जो आपने पढ़े थे, तो सिल्वर भी हार्डनेस देते हैं मगर कॉपर से कम देते हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि मीडियम स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये वाले जो हैं ये हाई स्ट्रेस बेयरिंग एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, बिकॉज कॉपर गिव्स हार्डनिंग इफेक्ट, दे हैव इंक्रीज हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ एंड एलोंगेशन, ये बहुत अच्छा स्ट्रेस भी ले लेते हैं। इनका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि कॉपर की वजह से फिर करोजन हो जाती है, ये वो वाली ऑक्साइड फॉर्मेशन है जो डिसएडवांटेजेस है। आप याद रखिए कि ऑक्साइड फॉर्मेशन दो तरह की है, पोर्सलिन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अगर हम पीएफएम बॉन्डिंग वाले मेटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कास्टिंग अलॉयज पोर्सलिन के साथ बॉन्ड करते हैं उनकी कॉम्पोजिशन में कॉपर और ऑक्साइड फॉर्मिंग एलिमेंट ज़्यादा डाले जाते हैं, और जो कास्टिंग अलॉयज अकेले मेटल का क्राउन पूरे बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें उस जैसे नोबल है तो गोल्ड ज़्यादा डाला जाएगा, पैलेडियम और प्लेटिनम ज़्यादा डाला जाएगा, और फिर बेस मेटल अलॉय तो फिर उसमें कोबाल्ट क्रोमियम वगैरह ज़्यादा डाला जाएगा। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है कि पोर्सलिन के साथ जो अलॉयज इस्तेमाल होते हैं उनमें ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए
इसमें कॉपर वगैरह डाला जाता है, ठीक है। लेकिन ये कॉपर का प्रॉब्लम ये है कि ये टारनेस से करोजन भी कर देता है, उसकी वजह से अलॉय की ब्लैकनिंग हो जाती है। ये जो पोर्सलिन क्लेस्ट्रोमेटल अलॉयज हैं, ये आप पोर्सलिन के चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू आएगा, तो आपको इनके नाम आने चाहिए। हम बेसमेंट अलॉयज को भी पोर्सलिन के साथ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोबाल्ट क्रोमियम को भी इस्तेमाल करते हैं और टाइटेनियम भी यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं पैलेडियम कॉपर अलॉयज एंड आई रिपीट पैलेडियम सिल्वर अलॉयज, ठीक है जी। ओल्ड अलॉयज को हम क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, नाउ दे हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन। एक और मुसीबत है, एक गोल्ड अलॉयज की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है और टाइप 4 है, ठीक है जी। टाइप 1 वो टाइप है जो सॉफ्ट है, ठीक है। इस टाइप में गोल्ड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, इट इज़ मोर सॉफ्ट। और इसके अलावा इसमें कॉपर, इरेडियम, प्लैटिनम और पैलेडियम वगैरह। आप ये याद रखिए कि टाइप 1 में गोल्ड सबसे ज़्यादा है और कॉपर सबसे कम है। बिकॉज ऑफ गोल्ड इट इज़ मोर सॉफ्ट एंड बिकॉज ऑफ कॉपर, लेस कॉपर, इट इज़ लेस हार्ड, ठीक है। अब ये क्योंकि ये सॉफ्ट और थोड़ा सा वीक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं है ले सकता ये अलॉय, क्योंकि इट इज़ वेरी सॉफ्ट। तो इसको स्मॉल इनलेस के लिए, क्लास 3 कैविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लास 5 के लिए। क्लास 3 कैविटी अगर आपने जूनियर ऑपरेटिव में पढ़ा हो तो क्लास 3 कैविटी, क्लास 5 कैविटी तो आपके सर्वाइकल एरियाज में होती है, और जो आपकी क्लास 3 कैविटी है वो मीजियल या डिस्टल ऑफ इंसाइजस पे आती है, ठीक है। एंटीरियर टीथ की अगर कोई मीजियल या डिस्टल सिर्फ कैविटी है, दैट इज क्लास 3। और इंटीरियर पे फीमोलर्स तक भी, और इवन मोलर्स तक नहीं आती क्लास 5। क्लास 5 आती है आपके इंटीरियर्स में, इंक्लूडिंग योर केनाइंस एंड इंक्लूडिंग योर फीमोलर्स। अगर उसमें उनके सर्वाइकल एरिया पे किडनी शेप कैविटी बने, दैट इज क्लास 5। तो आप देख लें कि ये इस तरह की फिलिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, यानी स्मॉल फिलिंग्स। सेकेंड इज टाइप 2, दे आर मीडियम रेस्टोरेशंस, दे हैव नाउ लेस अमाउंट ऑफ गोल्ड एज कम्पेयर टू टाइप 1, एंड दे हैव स्लाइटली हाई अमाउंट ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू टाइप 1। कॉपर हार्डनेस के लिए है, गोल्ड सॉफ्टनेस के लिए। गोल्ड ज़रा कम हुआ तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ गई, जब वो हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ गई तो वो थोड़ा सा मीडियम स्ट्रेस रीडिंग एरिया के लिए आ गए। इसमें अबडमेंट्स आते हैं, कॉन्टेक्ट्स आ गए। अबडमेंट्स एंड कॉन्टेक्ट्स आर पार्ट ऑफ ब्रिज। ब्रिज का मतलब ये है कि आपका एक दांत मिसिंग है सेंटर का, और आपने जैसे सपोज आपका फर्स्ट मोलर मिसिंग है, लोअर फर्स्ट मोलर मिसिंग है, तो उसके लिए ब्रिज बनाया जाएगा। ब्रिज बनाने का तरीका ये है कि आपके उस फर्स्ट मोलर से जो पहले वाला प्री मोलर है, उस खाली स्पेस के आगे उससे सपोर्ट ली जाएगी, और जो पीछे सेकंड मोलर है उससे सपोर्ट ली जाएगी। अब जिन दो साउंड टीथ से सपोर्ट ली जाती है, दे आर कॉल्ड अबटमेंट्स। और जो आपका मिसिंग दांत था, जो क्राउन का वो पार्ट, आपके ब्रिज का वो पार्ट जो आपके मिसिंग दांत को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज अ पॉन्टिक, ठीक है। तो नाउ यू हैव अबटमेंट्स एंड पॉन्टिक ऑफ क्राउन, और इसके लिए अमूमन टाइप 2 बोल इस्तेमाल किया जाता है, टाइप 2 नोबल मेटल। फिर हमारे पास टाइप 3 आते हैं, दे आर इवन मोर हार्ड बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ कॉपर and less amount of gold as compared to type 2 and type 1. तो फिर अब ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस के लिए, यानी कम से कम दो दांत मिसिंग है तो साथ के दो दांतों से सपोर्ट ली तो चार यूनिट्स बन गए ना, यानी चार, दो कॉन्टेक्ट्स एंड दो अबटमेंट्स, इसको शॉर्ट स्पैन ब्रिज कहते हैं। इनके लिए इनको हम यूज़ करते हैं, डेंचर बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइप 4 इज एक्स्ट्रा हार्ड, इनमें सबसे ज़्यादा कॉपर है और सबसे कम गोल्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस ट्रेनिंग एरिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, किसी पेशेंट के 6 दांत मिसिंग है तो जाहिर है कि दोनों तरफ के 3-3 दांतों से सपोर्ट ली जाएगी, यानी कि 6 दांत मिसिंग है तो आप समझ लें कि तकरीबन 6 साउंड टीथ से सपोर्ट लिया जाएगा। उसके लिए फिर हम टाइप 4 एक्स्ट्रा हार्ड गोल्ड यूज करते हैं, बिकॉज इट्स हार्ड, इट हैज मोर कॉपर एंड इट हैज लेस गोल्ड, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ नोबल मेटल अलॉयज। आई विल फिनिश माय लेक्चर टुडे हियर। If you have any questions regarding this chapter or regarding your case, you can ask me right now. We have a question answer session of about 5 to 7 minutes. 6 minutes hai hamare paas, theek hai. To hum is waqt question answers pe baat kar sakte hain. G class. Acha,
इसमें डीजे प्रताप में जो क्वेश्चंस थे और जिनमें आपको लगता है कि हमारे पास उन क्वेश्चंस के जवाब गलत लिखे हुए थे, तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि हमने जो मिस्टेक्स थे उनको करेक्ट किया, कुछ क्वेश्चंस तो हमने चेंज भी किया है, तो प्रॉब्ली उससे फिर आपको ये लगा होगा। गोल्ड, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि हम कास्टिंग एलॉयज की बात कर रहे हैं। गोल्ड को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं नोबल मेटल एलॉयज को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, दे आर स्टिफ, दे आर मोर रेजिलिएंट, इनमें टार्निश और कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनकी वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये तीन तरह के कास्टिंग एलॉयज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इस स्लाइड हम नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट कर लेंगे कि हम जब कास्टिंग की बात करते हैं तो वो एलॉयज इस्तेमाल होते हैं जो कास्ट करके होते हैं, तो हमने बेस मेटल पढ़ लिए हैं, अब हम हाई नोबल एंड नोबल मेटल की बात कर रहे हैं। टिन एलॉयज में 40% कम से कम गोल्ड और 60% बाकी के एलॉयज हैं, जिससे पहले पैलेडियम और प्लेटिनम वगैरह, उनको हम हाई नोबल एलॉयज कहते हैं। और टिन एलॉयज में तकरीबन 25% नोबल मेटल्स और बाकी के बेस मेटल्स, उनको हम नोबल मेटल एलॉयज कहते हैं, ठीक है। अब चॉइस इज योर्स कि आप इसको किस किताब से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यू मस्ट रिमेम्बर द ADA क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग एलॉयज जिस वक्त आपके सामने है, और आपको पता होना चाहिए कि पोर्सलिन के साथ जो एलॉयज फ्यूज किए जाते हैं उनमें कौन सा कंटेंट ज्यादा है। अब आपको ये बात याद हो गई होगी कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ वाले एलॉयज स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन दांतों पे इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्होंने ज्यादा लोड लेना है मेस्टिकेशन का, जैसे कि मोलर्स। और जो डक्टाइल एलॉयज हैं गोल्ड टाइप के, वो प्री मोलर और इस तरह के मीडियम स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज में यूज होते हैं, ठीक है। इंप्रेशन मटेरियल्स चैप्टर के क्वेश्चन टेस्ट के लिए अगर आप कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क फॉर योर अपकमिंग टेस्ट ऑन जिप्सम। फिलहाल तो मेरा यही ख्याल है कि यही शायद पैटर्न रहेगा, 4 SEQs होंगे और बाकी MCQs होंगे। आप अपने नेक्स्ट टेस्ट पे जब जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, क्योंकि आपकी तो टाइपिंग स्पीड ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, जब आपके सामने डैशबोर्ड आता है या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए स्क्रीन आती है, तो प्लीज़ ऑब्जर्व द स्क्रीन कीनली, गौर से देखिए कि उसमें कहाँ कहाँ चीज़ें या आइकन्स बने हुए। ट्राई टू बी अ बिट फास्ट। इसका एक मेथड ये हो सकता है कि आपने डेक्स देखे होंगे, गूगल पे डेक्स आते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उनमें एलोकेटेड टाइम होता है कि जी आप इसको अटेम्प्ट करें, तो उसको अटेम्प्ट करने से आपको समझ आ सकेगी कि आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। ऐसे क्योंकि आई नो इट्स अ हैसल, लेकिन फिलहाल हमें करना पड़ेगा। जिप्सम उमेद, यू कैन आई वुड सजेस्ट आप उसको पहले शाइना से देख लें, अगर आपको उसमें तो समझ आ सकती है, देन यू गो फॉर फिलिप्स। क्योंकि फिलिप्स में आपने देख लिया कि फिलिप्स की लैंग्वेज किस किस्म की है, मैंने फिलिप्स मेंशन जरूर की हुई है। एक उसमें वाटर पाउडर रेशो दी हुई है, थ्योरेटिकल रेशो है, वाटर पाउडर रेशो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस दफ़ा भी सवालों में थी, मैंने इस दफ़ा भी UHS में पेपर में देखा है। तो इट्स योर चॉइस, यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर। आपके पास डॉक्टर मेविश के नोट्स भी होंगे जिप्सम के, आप चाहें तो उसको वहां से कर लें, चाहे तो फिलिप्स में से कर लें। अगर आप फिलिप्स में से करना चाहते हैं तो फिलिप्स में से चैप्टर को करने का तरीका ये है कि फिर आप लेक्चर नोट्स को साथ रखें, आप पहले नोट्स एक दफ़ा नज़र उन पर डालें और फिर आप फिलिप्स से करें। लेकिन जब आप फिलिप्स खोलेंगे तो यू विल सी के फिलिप्स में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, वो बेसिक को स्किप करके आगे चले जाते हैं। अच्छा, डेप्थ ऑफ एगर प्लेट रिगार्डिंग जी उमैद, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, डेप्थ ऑफ एगर प्लेट 4 mm और 3 mm, इट इज एगर प्लेट फॉर इम्प्रेशन टेकिंग, यू आस्किंग विद द रेफरेंस ऑफ विच क्वेश्चन। इट्स नॉट एगर प्लेट, इट शुड बी एगर इम्प्रेशन मटीरियल इन द प्लेट, ठीक है। एगर इम्प्रेशन मटीरियल इन द ट्रे जो हम लगाते हैं, एगर समेत कोई भी इम्प्रेशन मटीरियल जो हम ट्रे में लगाते हैं, वो तकरीबन 2 से 3 mm होता है, ठीक है। पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीथस वगैरह तकरीबन 2 mm तक लगाए जाते हैं। एगर चूंकि वीक होता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, इट्स 3 mm। उसको ज़्यादा रखने का मकसद ये है कि जेल वीक है तो आप थोड़ा सा ज़रा उसकी डेप्थ को बढ़ा लें, थोड़ा थिक कर लें लेयर, ठीक है। वैसे यूजली पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीईथर्स, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन, इन सब के लिए तकरीबन 2 से 3 mm की थिकनेस होती है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन?
Okay, class, so this was now for your lecture and your key. Dr. Marine will continue with the noble metal casting alloys. ठीक है, आपका जिप्सम का टेस्ट है. We'll see कि जिप्सम टेस्ट पे की डिस्कशन आपकी डॉक्टर मेरीन के साथ ही होगी. मैं देखूंगी कि डॉक्टर मेरीन की डिस्कशन करेंगी या डॉक्टर महविश. We'll see what to do. उस हिसाब से हम देख लेंगे. ठीक है, बेटा ग्रेडिंग के लिए दे हैव जस्ट दे आर जस्ट गिविंग द ब्रीफिंग टू द डॉक्टर्स डाउनस्टेयर्स. डीएमई में इस वक्त ब्रीफिंग हो रही है कि इसको कैसे चेक करना है, इसको कैसे ग्रेडिंग करनी है. तो वो हमें एज पर इंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा. बट इंशाल्लाह वंस ये जो सारा कोरोना वायरस का ये सारा पेंडेमिक का जो इशू है रिजॉल्व होता है, तो डेफिनेटली वी कम बैक टू द कॉलेज सेटिंग्स. उसमें ये है कि अगर इन दिनों में अगर आपकी कोई थोड़ी ग्रेडिंग इफेक्ट भी हुई है तो वील ट्राई टू कंसिडर इट. ठीक है, आई मेंशन द फीडबैक टू डॉक्टर गुलफ्रीन के स्टूडेंट्स परेशान थे और वो कहते हैं कि जी हमने एसईक्यूज अटेम्प्ट किए लेकिन एंड पर आया कि आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए, तो डेफिनेटली वो उसके लिए कुछ ना कुछ बताएंगे इसके लिए. ठीक है, लेकिन दिस वाज फॉर ऑल फॉर टुडेज मीटिंग. ठीक है, नाउ डॉक्टर मेरीन विल टेक योर की सेशन ऑन सैटरडे इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू क्लास.